बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेज इसा कवान आज अपनी किचन में आपको वेलकम कहती हूँ। आज की जो रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे वो है चिकन कढ़ाई। आपने बहुत ज़्यादा चिकन कढ़ाई खाई होंगी घर में भी और रेस्टोरेंट्स में भी, लेकिन ये चिकन कढ़ाई आम मसालों के साथ बहुत जल्द बनने वाली और बिल्कुल रेस्टोरेंट के टेस्ट वाली होगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन कढ़ाई के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले है चिकन। ये हमने 750 ग्राम मुर्गी ले ली है और इसको कढ़ाई के पीसेस में यानी छोटे पीसेस में कटवा लिया है। हमें चाहिए होगा 1 कप तेल, क्योंकि कढ़ाई में ज़रा ज़्यादा ऑयल डलता है। इसके बाद हमने लिए हैं टमाटर। टमाटर को हमने 2 टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपके पास टमाटर बड़े साइज़ के हैं तो फिर आप 2 टमाटर ले लें, और अगर आपके पास दरमियाने साइज़ के टमाटर हों तो आप 3 टमाटर ले लें। इसके बाद हमने गार्निश के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और जुलियन अदरक ली है। 1 खाने का चम्मच हमने लिया है लहसुन, 1/2 प्याली या 1 दरमियाने साइज़ की प्याज, 1/2 चाय का चम्मच अदरक, 1/2 चाय के चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 चाय के चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, तेज़पात 1 अदद, चुटकी भर कलवंजी और दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1/2 प्याली दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं और अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख देते हैं। हमने अपने चूल्हे को मीडियम फ्लेम पे ऑन करके कढ़ाई रख दी है और हम अब इसमें 1 कप ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल शामिल करते ही हम इसमें तेज़पात डाल देते हैं। अब ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें अपनी प्याज ऐड कर देंगे, 1/2 प्याली प्याज। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस जू ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा और ये वाइटिश की तरफ आएगा तो इसमें हम अपना गार्लिक पेस्ट जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें हमारा प्याज वाइट हो गया है। अब हम इसमें अपना गार्लिक पेस्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम सिर्फ इसे इतना पकाएंगे कि हमारा जो गार्लिक का है इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब हम हमारा जो लहसुन है वो ज़रा फ्राई हो गया। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करके हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे कि जब तक हमारे चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है। जी, तो अब जब हमारा चिकन कुछ इस शक्ल में आ जाएगा तो अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। हम इसमें शामिल कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, कलवंजी, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसमें अपने टमाटर डालने हैं। सबसे पहले हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और इसमें फिर अपने टमाटर रख देते हैं, ताकि हमने टमाटर हाफ शेप में काट लिए हैं, हमने इनके कोई स्लाइस वगैरह नहीं काटे हैं, ठीक है। और अब हम अपनी आंच हल्की करके इसको दम पे रख देते हैं और तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब तकरीबन 10 मिनट के दम के बाद हमारी कढ़ाई की शक्ल कुछ इस तरह से निकल आई है। अब सबसे पहले तो मैं इन पे से तमाम टमाटरों के छिलके अलग कर लूँगी। ठीक है, हमने टमाटरों को हाफ करके डाला ही इसलिए था कि जब हम दम पे रखेंगे तो इनके छिलके बहुत आराम से अलग हो जाएंगे, क्योंकि खाने में कढ़ाई में इनके छिलके अच्छे नहीं लगते। ये देखिए, ठीक है, और ये लास्ट वन। अब हम इसके बाद अपनी कढ़ाई को भून लेंगे और इन टमाटर तकरीबन गले में हैं। जी, तो अब हमने अपने टमाटरों का छिलका उतार लिया है। अब हम इनको थोड़ा सा इसके साथ भून लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल। जी, तो अब हम अपने टमाटरों को अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ भून लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं और सालन में मिक्स हो जाएं। ये देखिए, हम इसकी अब आंच फिर थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे, मीडियम हाई पे, और अब हम इसमें अपना दही शामिल कर देते हैं। मैंने इस दही में एक चम्मच क्रीम, मिल्क क्रीम का, फ्रेश क्रीम अगर आपके दूध पे है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप बाज़ार की क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम यूज़ करते हैं तो वो भी एक चम्मच ऐड कर लें। इससे आपका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल आएगा। और अब हम इसे पकने देंगे। जी, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट बनने के बाद हमारी हांडी की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अगर आप 750 ग्राम की बजाय 1 kg भी चिकन यूज़ करें तो तकरीबन आपके मसाले की मिकदार यही रहेगी। ठीक है, अब हमारा जब ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा और हमारा तेल मसाले के ऊपर आने लग जाएगा तो तब हम इसे भूनकर रेडी कर लेंगे। इस पॉइंट पर अब हम इसमें अपनी अदरक, जो हमने स्टार्ट में नहीं डाली थी, 1 teaspoon वो भी ऐड कर दी है, और कुटी हुई काली मिर्च वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और बस अब हम इसे मिक्स कर देंगे। हमने इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने लहसुन और अदरक दोनों को अलग रखा था, और हमने स्टार्ट में प्याज के साथ सिर्फ लहसुन ऐड किया था। अदरक अब हम इसको भुनाई के वक्त पे शामिल करेंगे। तो चलें, अब हमने इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर दी ताकि अब हमारा, आप ये देख रहे होंगे कि मसाला तकरीबन तेल छोड़ने लग गया है। जी, तो हमने जब हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया तो इस पे अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया जो हमने काट के रखा हुआ था उसकी कुछ मिकदार ऐड की, और चूल्हा बंद करके अब हम इसको दम पे रख देते हैं ताकि इसका अरोमा इसमें शामिल हो जाए। हमारी रेसिपी फाइनल लुक में कुछ इस तरह से नज़र आएगी, खाने में बहुत ही लजीज है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।